वेलकम टू टेक एक्सप्लेन। आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू करूंगा मेरे नए हॉनर हुआई 9i का। आइए चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इस फ़ोन में कैसी क्या खास बातें हैं और क्या नहीं, और ये कैसा दिखता है लुक वाइज। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से बिग दिवाली सेल में मंगाया था और ये मुझे ठीक 2 दिन बाद मिल गया है, और मैं इसे आज अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ये बिल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सिंपल पैकिंग में आया था। बॉक्स को हर साइड रख देते हैं। आप जैसा देख सकते हैं, ये थोड़े अजीब से डब्बे में आया है। लिखा हुआ है ऊपर हॉनर 9i, और यहाँ पे इसके बार कोड्स हैं, और इसमें हॉनर के बारे में लिखा हुआ है कि कहाँ का ये कंपनी है और क्या क्या बना हुआ है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है लिखा हुआ है, 1 हेडसेट, इंटरनल बैटरी, एयरफोन, 1 PC कवर, 1 ट्रैवल चार्जर, 1 USB डेटा, 1 वारंटी कार्ड, ये सब मिलता है आपको। और डब्बे के पीछे ये सब बारकोड्स और इसके वेरिएंट लिखे हैं। यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर 4x20 23 GHz का प्रोसेसर मिलता है, और 4 GB और 64 GB वाला वेरिएंट है। ये एंड्रॉयड 7.0 नुगट के साथ आता है, जिसमें EMIUI 5.1 लगा हुआ है। ये इसका जो डिस्प्ले है फुल HD+ डिस्प्ले है, जो कि 14.99 सेंटीमीटर यानी 5.9 इंच में है। और इसमें दो कैमरा आगे पीछे, पीछे दो कैमरा है और आगे दो कैमरा है, जिसको 16+2 MP रियर और 13+2 MP फ्रंट कैमरा है, जिससे आपको हर फोटो पे अपने टोनिंग और डेप्थ एंड फील का मतलब कि होगा। पोर्ट्रेट मोड भी आप इसमें ले सकते हैं, और इसमें जियो वोल्टी और ये सब स्पेशली लिख दिया गया है। जियो वोल्टी, इसमें वोल्टी फोन है इसलिए जियो वोल्टी चलेगा। इसमें बैटरी आपको 3440 mAh की बैटरी, टिपिकल बैटरी मिलती है लियोन की, जो कि आपको 1 दिन की बैकअप दे देगी। आइए इसे खोल के देखते हैं। जैसा कि मैंने इसे खोला है, तो इसमें आपको सबसे पहले ये मोबाइल दिख रहा है। इस मोबाइल को साइड हम रखते हैं और इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, हमको ये 3 चीज़ें दी गई हैं इसमें। एक आपको आपको ये मिलता है एडाप्टर, जो कि आपका ये 2 एम्पियर का चार्जर है 5 वोल्ट का। ये स्टैंडर्ड चार्जर है ना, ये फास्ट चार्जिंग नहीं करता है, ये स्टैंडर्ड चार्जर, नॉर्मल चार्जर दिया गया है। और इसमें आपको ये USB दिया गया है, जो कि 120 सेंटीमीटर का है, मुझे पता है ये। और इसमें आपको ये एयरफोन दिया गया है, जो कि ये ऑनर का सबसे हाईएस्ट वर्जन का एयरफोन आता है, जो कि मिल जाता है आपको। और इस फ़ोन को हम खोलते हैं। इस फ़ोन को मैंने खोल दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन काफ़ी खूबसूरत फ़ोन लग रहा है। डिज़ाइन में इसकी बहुत प्रीमियम है। सबसे कम बेजल का ये फ़ोन है, इसमें बेजल बहुत कम दिया गया है। आप जैसे देख सकते हैं, बहुत किनारे किनारे, और इसी में आपको ऑन डिस्प्ले टच बटन मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि आगे ये एक कैमरा और ये दो कैमरा है, और ये आपका ये सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, और यहाँ पे सॉफ्ट फ्लैश दिया गया है, जो कि लो लाइट में आपको अच्छी सेल्फी देने इसमें मदद करेगा। और जैसा कि पीछे देख सकते हैं कि इसमें डुअल कैमरा आपको मिलता है, जो कि एक 16 का एक 2 MP है, जो कि आपको पोर्ट्रेट मोड लेने में मदद करेगा। और ये फिंगरप्रिंट सेंसर, ये आपका सिंगल टोन LED फ्लैश है, क्योंकि इसका कैमरा ही इतना अच्छा है, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता डुअल टोन देने का, उससे हमेशा फ़ोटो थोड़ा सा शार्पनेस ज़्यादा हो जाता है और पीलापन हो जाता है इसीलिए। और जैसा कि नीचे देख सकते हैं, आपको ये स्पीकर मिल रहा है, ये लाउड स्पीकर है, और ये नॉर्मल स्टैंडर्ड आपका जो चार्जिंग होता है USB 2.0, और यहाँ 3.5 mm जैक है। और यहाँ फर्स्ट माइक्रोफोन है, और ऊपर जैसे देख सकते हैं यह सेकेंड माइक्रोफोन। यहाँ साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन मिल जाता है, और आपको यहाँ पे ये सिम इंजेक्टर टूल मिल जाता है, जिसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट है। इसमें 2 नैनो सिम और एक आपको 2 नैनो सिम मिलेंगे, और इसमें एक मेमोरी कार्ड और 1 नैनो सिम लगा सकते हैं। और बस ये फ़ोन हम इसे ऑन कर लेते हैं। ये ऑन हो गया है, थोड़े से हैप्टिक फीडबैक के साथ ये ऑन हुआ है। जैसे इसमें लिख रहा है ऑनर पावर्ड बाय एंड्रॉयड, जैसा कि देख सकते हैं आप। और व्यू एंगल इसके डिस्प्ले की बहुत अच्छी है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। ये HD+ डिस्प्ले है, ना कि 4K है, ना ये 2K है, ये 3K डिस्प्ले इसको कहा जा सकता है। ऑनर ब्रांडिंग का नाम लिख रहा है। जैसा कि ये खुल गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया है। मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। इसमें पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि मैंने अभी सेटअप किया था थोड़ी देर पहले, और इसमें पासवर्ड मैंने दिया था।
ये जैसा कि खुल गया है, आप देख सकते हैं ये बूट हो रहा है। और इसमें मैंने दो सिम लगा लिया था, देखिए एयरटेल और आइडिया, अभी एयरटेल नहीं पकड़ा, आइडिया का नेटवर्क आ गया है। और इसमें मैंने आई केयर मोड ऑन किया, वेदर बता रहा है ये। और जैसा देख सकते हैं ये काफ़ी खूबसूरत फ़ोन है फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ। और इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये किस MIUI पे आता है। EMIUI पे EMIUI 5.1 आता है और ये 7.0 Nougat के साथ भी आ जाता है। इसमें 4 GB की रैम मिलती है आपको, इसके इंटरनल में 64 GB के इंटरनल है, लेकिन इसमें आपको फ्री मेमोरी 47.03 GB की मिल जाएगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले रेजोल्यूशन है 1080p मतलब फुल HD इंटू 2160 मतलब 4K, मतलब ये 3K डिस्प्ले है एक तरह से। और ये काफ़ी खूबसूरत डिस्प्ले है इसका। और जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले मैं इसके थोड़ा कैमरा सैंपल्स आपको दिखा देता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं, मैं इसे जैसे इसका मैं फ़ोटो लेके दिखा देता हूँ पोर्ट्रेट मोड में। ये देख सकते हैं आप, ये पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो आया है बिना फ्लैश के। और ये पीछे के साइड ब्लर हो गए, और भी मैंने फ़ोटो लिया था जैसे आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो बहुत क्लियर आया सेल्फी। और ये पीछे पूरा साइड बैकग्राउंड ब्लर कर दिया गया है और ये फ़ोटो एकदम क्लियर आया है। और इसके कैमरे में फ्रंट और बैक कैमरा में कोई शिकायत नहीं, ये बहुत साफ फ़ोटो खींचता है। और ये फ्रंट कैमरा भी आप देख लीजिए, मैं और मैं जब रैम क्लीन कर रहा हूँ उसमें आपको 2.46 GB यानी 2.5 GB तक आपको इसमें खाली मिल जाएगा। और इसमें बाकी सब मुझे बेहतर लगा। इसकी मैं साउंड क्वालिटी आपको सुना देता हूँ, कोई रिंगटोन क्वालिटी साउंड जैसा कि आप देख सकते हैं, वॉल्यूम मैं सुना रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका साउंड लाउड है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, लेकिन ये एनफ है इस टाइप के मोबाइल के लिए, ये साउंड एनफ है। और आपको ये रिव्यू अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।